हाय बडीज, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे व्यक्ति की जिनका उठना बैठना आम लोगों के साथ नहीं है। इनकी यारी दोस्ती बिग कैट्स के साथ है, शेर और बब्बर शेर के साथ है। दिस मैन इज़ अमेजिंग, ही इज़ कार्ल बोवर्ड। ये फ्लोरिडा के निवासी हैं और इनका जो मैसिव एनक्लोजर है उसके अंदर 6 टाइगर के साथ साथ 2 लायंस हैं और अदर वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। कार्ल बोवर्ड के पास जो सबसे बड़ा टाइगर है उसका नाम सैमसन है। ये एक साइबेरियन टाइगर है। इसका वजन 700 पाउंड है और ये 9.5 फुट लंबा है। कार्ल बताते हैं कि उनका रिलेशनशिप इन एनिमल्स के साथ काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा है, बट लेकिन जब उनके हाथ में फूड होता है, खाना होता है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी बदल जाता है। एनिमल्स काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। वेल, काफ़ी सारे लोग कार्ल बोवर्ड को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इनकी जो सही जगह है वो जंगल है। तो कार्ल बोवर्ड का कहना यही होता है कि कौन से जंगल, 7 बिलियन लोग रहते हैं इस प्लेनेट के ऊपर, और जहाँ ये लोग रहते थे उन जगहों को आप लोग कवर अप करते चले जा रहे हैं। तो जो इनके जगह बस्ती है वो कैप्टिविटी है, और मेरा इनको कैप्टिविटी में रखने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि ताकि मैं लोगों के अंदर इनके प्रति लव पैशन क्रिएट कर सकूँ और इन्हें बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकूँ। कार्ल जब किसी भी एनिमल को अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले वो उसे अपने मैसिव एनक्लोजर के अंदर ही ले आते हैं, वो उसे अपने घर में ले आते हैं। उनका ये मानना है कि घर सबसे बेस्ट जगह है जानवरों को सोशलाइज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप इस बात को भी ध्यान रखें, आप चाहे इन्हें कितना भी सोशलाइज कर लीजिए, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनमें वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स रहती हैं, आप इन्हें कभी भी पालतू नहीं बना सकते। कार्ल बोवर्ड रोज़ अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर अपने इन वाइल्ड एनिमल्स की केयर टेकिंग करते हैं। वो इनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो इन्हें और गहराई से समझ सकें। उनका पर्पस सिर्फ इतना ही है ताकि वो लोगों के अंदर इनके प्रति अवेयरनेस फैला सकें, उनके अंदर लव और पैशन क्रिएट कर सकें इन एनिमल्स के लिए। इसी पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने सिंगल विजन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की है।